नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4:30 बजे से, और मैं बना रही हूँ परी के लिए टिफ़िन। टिफ़िन में मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो मैंने सोचा चलो बना ही रही हूँ तो रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ और अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर देती हूँ। तो मैंने डाला तेल, फिर जीरा, प्याज कटा हुआ, हरा मिर्च, एक छोटा सा मिर्च ली हूँ क्योंकि तीखा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके हिसाब से ही बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद डाल रही हूँ इसमें कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला भी मैं डालती हूँ सैंडविच में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपके पास अगर है ना तो डाल के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना चाट मसाला का ही बना लीजिएगा। मैंने मसालों को एकदम अच्छे से भूना 4-5 मिनट तक। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया, फिर ब्रेड पे फैला के अब मैं सेक रही हूँ सरसों के तेल में ही, क्योंकि घी में ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ और टेस्टी भी लगता है घी में ज़्यादा। लेकिन घी नहीं है तो मैंने सोचा चलो तेल में ही बना लेती हूँ, घी खत्म हो गया है। और मीडियम आँच पर ना खूब अच्छे से दोनों साइड तेल लगा के सेक लूँगी। 4 पीस मैं दे रही हूँ, 1 पीस घर में खाएगी और 3 पीस उसको दे दूंगी। तो अपना बच्चे लोग का रहता है ना कि आपस में शेयर भी करते हैं और खाते भी हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही दे देती हूँ। कुछ भी बनाती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही देती हूँ। जब परी को स्कूल भेजने के बाद मैंने घर का सारा काम निपटाया, तो मैं मिल रही हूँ अब जाके आप लोग से। टाइम मैं बोलूँ तो 9:30 बजे के बीच का टाइम हो रहा है और हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं, तो मैंने उनका भी टिफिन बना दिया और वो चले गए ऑफिस। परी भी जा चुकी है स्कूल, बाबू घर में है तो बाबू अपना टीवी देख रहा है बैठ के। उसका भी अभी उसको भी नाश्ता दूंगी, सो के उठा है ना तो टीवी देख रहा है। तुम कह चलो अभी नहा वाली हूँ, थोड़ा सा बाल वाल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बना के उसको भी दूंगी और अपने भी नाश्ता करूँगी। तो इधर कल का कपड़े जो धोई थी ना, रस्सी पे पड़ा हुआ है तो सारा सूख गया है, तो इन सारे कपड़ों को हटा दूंगी और जो आज मैंने धोया है सारा फैला दूंगी, क्योंकि मौसम बहुत बदरी बदरी वाला हो रखा है ना। मौसम वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा हो गया है, एकदम बारिश वाला मौसम। 1-2 दिन तो बारिश भी हो चुका है हमारे यहाँ पे और मौसम ठीक नहीं है। तुम कहे चलो अंदर ही फैला देती हूँ, नहीं तो फिर कौन अंदर बाहर करता रहे, फिर देखना पड़ता है बार बार बालकनी में जाके ना कि बारिश तो नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से मैं अंदर ही फैला दे रही हूँ कि अपना सूखता रहेगा 2 दिन में, क्या करना है। बाकी कपड़े तो हैं ही पहनने के लिए, इसके बिना कुछ रुका नहीं है, तो अपना सूखेगा। फिर उसके बाद मैं सोची कि चलो बाहर ही कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया है ना, और एकदम वाइट कलर का फर्श है तो उस पर अगर कंघी करती हूँ ना तो बहुत बाल बाल दिखने लगते हैं। बाल इतने गिरते हैं ना कि पूरा बाल बाल उठा उठा के सारा फेंकना पड़ता है। तो मैं सोची चलो बाहर ही आज कंघी कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर तो मैं घर में ही करती हूँ, रूम में ही अपने, लेकिन कभी कभार मन करता है तो बाहर भी कर लेती हूँ। आज मेरा ना घर का सारा काम जल्दी ही हो गया, क्योंकि मैं जिस दिन 4:30 बजे उठती हूँ ना, 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है, मैं फ्री हो जाती हूँ। तो एक अलग से अंदर से खुशी मिलती है और सुकून भी मिलता है कि चलो मेरा काम आज जल्दी हो गया। तो जिस दिन स्कूल जाना होता है परी को ना, उस दिन मेरा सारा काम ऐसे ही एकदम जल्दी से टाइम से हो जाता है और अच्छा भी लगता है। थोड़ी सी नींद जरूर ख़राब होती है, लेकिन रूटीन बहुत अच्छा हो जाता है बच्चे लोगों का स्कूल खुलने के बाद। तो अभी फिर मैं आ गई किचन में, हम कहे चलो बाल वाल बना ली तो अब नाश्ता भी बना लेती हूँ। तो जो सैंडविच परी को बना के दी थी ना, उसी का मसाला बचा रखी हूँ, तो हम कहे चलो इसी से हम लोग भी सैंडविच बना लेती हूँ, हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। तो एक सैंडविच मैं अपने लिए बनाऊँगी और एक बाबू के लिए, तो हम दोनों लोगों का नाश्ता हो जाएगा। खाना पीना तो हो गया है, बना चुकी हूँ, और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं तो खाना पीना बाद में खाएंगे, जब परी आ जाएगी तब खाना खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी इतना जल्दी। और मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। 1 दिन भी नहीं चलता है मेरा बिना चाय का, तो मैं डेली ही चाय पीती हूँ। और वही इसीलिए हंस रही हूँ कि आप लोग देखते होंगे डेली के ब्लॉग में कि मैं चाय ज़रूर से पीती हूँ, और बनाते हुए भी मुझे देखते हैं। 1 कप तो मैं चाय डेली ही पीती हूँ, 1 कप क्या 2 कप पीती हूँ, 1 कप सुबह, 1 कप शाम को। क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो नहीं मन करता है, तो कभी कभार छोड़ जाता है, नहीं बनाती हूँ। नहीं तो वैसे मौसम अच्छा रहता है ना, तो मैं डेली ही पी लेती हूँ 1 कप, और मुझे अच्छा लगता है चाय पीना। फिर उसके बाद अभी मैं सैंडविच ना परी को भी ऐसे ही देती हूँ, बस मसाला लगा के उसको सेक के दे देती हूँ,
टमाटर खीरा प्याज ये सब नहीं लगाती हूँ, नहीं तो फिर पानी वो छोड़ देगा ना, तो खाने लायक रहेगा ही नहीं। अपने लिए भी मैं वैसे ही बना ले रही हूँ। अब कौन जाएगा टमाटर प्याज काटने दो सैंडविच के लिए? और मुझे ज़्यादा तो अच्छा लगता है सब्जी वाला ही, जैसे कि टमाटर प्याज व्याज लगा के खाओ ना तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन मुझे आलस आ रहा है कि अब दो सैंडविच के लिए क्या बनाऊँ, ज़्यादा रहता तो मैं ज़रूर से काटती, लेकिन कमी है तो इसलिए नहीं बना रही हूँ। So blue, mere passing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. मैं ना फ्रेंड अदरक वाली चाय पीती हूँ, तो अदरक गई लेने, अदरक ख़त्म हो गया था, किचन में था ही नहीं तो फ्रिज में लेने गई, और जब मैं काटने लगी डालने के लिए ना तो बहुत सारा ख़राब निकल गया। और अदरक वैसे भी इतना महंगा हो रखा है, सारी सब्जी महंगी हो गई है इस समय। टमाटर तो हमारे यहाँ 120 रुपये किलो चल रहा है और अदरक 60-70 रुपये पाव, तो बड़ा खर जाता है। कोई एक भी टमाटर ख़राब निकल जाता है ना तो बड़ा खलने लगता है कि अरे एक टमाटर ख़राब हो गया, कितना महंगा सब्जी रहता है ना तो लगता है। इधर मेरा सैंडविच भी बन गया और चाय भी बनने वाली है, और मैं सॉस के साथ बाबू को दूंगी। एक ही प्लेट में निकाल रही हूँ, बाबू भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। अलग अलग प्लेट में क्या निकालूँ, तो देखिए सैंडविच कितना अच्छा बनना है ना, एकदम कुरकुरा सा क्रिस्पी सा बना हुआ है। तो मैं इसी तरीके से सेकती हूँ, कम आँच पर सेको ना तो बहुत अच्छा बन जाता है, तेज आँच पे करो ना तो जल जाता है और एकदम मुलायम मुलायम सा लगता है, अच्छा नहीं लगता उसका स्वाद। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो अभी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई चादर चेंज करने, हम गए चलो चादर ही बदल देती हूँ। और बाबू तो सो के उठ के ब्रश किया है और नाश्ता किया, अभी इसका नहाना धोना बाकी है। इसकी छुट्टी चल रही है ना, परी का तो स्कूल खुल गया है तो स्कूल अपना चली जाती है, अभी तो इसका अभी स्कूल खुलने वाला है, अभी देखिए कब तक खुलता है, लेकिन अभी तो छुट्टी ही चल रहा है तो अभी ये घर में ही है। इसका भी एडमिशन हो गया है, लेकिन जब स्कूल खुलेगा तभी तो जाएगा, ये तो घर में ही पड़ा रहता है दिन भर और टीवी देख रहा है। देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट शो है ये, दिन भर लगा के देखते हैं। जब भी घर में रहेंगे अगर कोई सीरियल देखना हो, कार्टून देखना हो ना, तो बस यही देखते हैं। और सीरियल में ये देखेंगे और कार्टून में ना हनी बनी कौन सा देखते हैं सब बच्चे लोगों की पसंद। मुझे भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत अच्छा लगता है। मैं काम करती रहती हूँ लेकिन आवाज़ सुनती रहती हूँ इन लोगों की, किचन में भी रहूँगी ना तो सुनती रहती हूँ। और परी स्कूल से आ चुकी है, स्कूल से आते ही उसको इतना पसीना हुआ रहता है और धूप लगी रहती है ना कि आते ही सबसे पहले ड्रेस चेंज करती है। पहले तो 5-10 मिनट बैठती है, फिर उसके बाद ड्रेस चेंज करने चली जाती है। और मैंने उसका बैग खाली कर दिया कि टिफ़िन और बॉटल निकाल दूँ, धुल जाएगा, और बैग उठा के दूसरे कमरे में रख दूँगी। अभी परी आ चुकी है ना तो हम तीनों लोग बैठ के अपना खाना खाएंगे और टीवी देखेंगे। जब मैं खाना खाती हूँ ना तभी थोड़ी देर बैठ के टीवी देख लेती हूँ, नहीं तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं अलग से स्पेशली बस बैठूँ टीवी देखने के लिए, क्योंकि घर के छोटे मोटे काम तो पूरे दिन ही लगे रहते हैं। और वैसे भी मुझे यूट्यूब का भी अपना थोड़ा सा काम करना होता है तो टाइम निकाल के करती हूँ एडिटिंग वगैरह, तो इसी में मेरा टाइम चला जाता है तो फिर अलग से टीवी देखती ही नहीं हूँ। ये पकाया हुआ आम है तो आज हस्बैंड ना देखे हैं, खोल के इसको पकने के लिए रखे थे तो खोल के जब देखे हैं तो पूरा पक गया था, तो हस्बैंड बोले कि इसको मैं भिगो के पानी में छोड़ दे रहा हूँ, तो मैं जब टाइम मिलेगा तो इसको फैला के रख देना, सूख जाएगा तो फ्रिज में रख देना। हम कहे ठीक है। अभी आम का सीजन चल रहा है ना तो मैं बहुत आम खा रही हूँ, दिन भर में मैं 3-4 आम तो खा ही लेती हूँ आप लोग सोचते होंगे कि कितना खाती है, तो सच में मुझे आम अमरूद ये सब चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ आम ला के ना ये पकाया हुआ है घर में, तो ये टब है ना जो रेड वाला, इसी भर का पूरा पकाया हुआ था और एक छोटी सी बाल्टी भर का था, तो आधा तो एक दिन भिगो के इसको धो के फ्रिज में पूरा भर दी थी तो खा रहे थे, फिर आधा आज इसको भर दूंगी फ्रिज में तो कुछ दिन चलेगा, फिर उसके बाद अब पका हुआ आम आएगा, क्योंकि कच्चा अब नहीं मिल रहा है, पका हुआ ही लेके आएंगे अब बाजार से। और इधर मैं आ गई कपड़ा प्रेस करने, हम गए चलो कपड़ा ही प्रेस कर लेती हूँ, सारा काम हो गया। तो अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, टाइम में बोलूँ तो 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मुझे पार्क में भी जाना है, तो हम गए चलो काम निपटा लेती हूँ फिर उसके बाद जाऊँगी पार्क में।
साढ़े पाँच और छः बजे के बीच का टाइम हो रहा है, लेकिन धूप देख के देखे लग रहा है कि 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। धूप तो बहुत तेज वाली हो रही है, बदरी भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, धूप भी बहुत तेज हो रहा है। अभी मौसम थोड़ी थोड़ी देर पे बदल जा रहा है। बाबू परेशान है, अपना बॉल ढूंढ रहा है तो मेरे से पूछ रहा है, मम्मा देखी हूँ? कहीं नहीं बाबू, एक बॉल तो मैं बेड के नीचे देखी हूँ, पड़ा है, निकाल लो। तो कह रहा नहीं, प्लास्टिक वाला नहीं, वो जो भारी वाला लेदर वाला क्या बोलते हैं ना, मुझे पता भी नहीं है, वो वाला मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उसी का नाम कुछ बता रहा था, तो वही ढूंढ रहा है, कह रहा मुझे भारी वाला बॉल चाहिए। तुम कहें कि मैं तो आज सुबह से देखी ही नहीं, ढूंढो कहाँ है ये। कई बार क्या करता है ना कि खेलता रहता है, कमरे में ही खेलता है, बालकनी में से नीचे गिर जाता है। तो बच्चा ही है, ध्यान इधर उधर हो गया हो, क्या पता भूल गया हो, तो वही ढूंढ रहा है। अच्छा फ्रेंड, आप लोग की तरफ मौसम कैसा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ तो पहले की अपेक्षा ना बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो इतनी गर्मी लगती थी, इतना पसीना दिन भर होता था कि पूछे मत, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी गर्मी में, तो एकदम परेशान हो जाते थे हम लोग। लेकिन अभी मौसम पहले की अपेक्षा ना ठीक हो गया है, ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी नहीं पड़ रही है। अब धीरे धीरे मौसम तो सही ही होगा। तो आप लोग की तरफ कैसा है मौसम बताइएगा ज़रूर मुझे। फिर मैं कपड़े में तह लगा दी हूँ, तो ये सब सारे कपड़ों को अलमारी पर लगा दूंगी। परी पार्क में गई है और बाबू घर में है, मेरा वेट कर रहा है कि मम्मा चलेगी तभी मैं भी चलूँगा। तो उसका भी ड्रेस चेंज करूँगी, मैं अपना ड्रेस चेंज करूँगी, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी, मतलब चाय पी के ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर जाऊँगी पार्क में। थोड़ी देर आधा पौना घंटा एक घंटे तक बैठती हूँ, थोड़ा सा टहलती वलती हूँ, फिर उसके बाद पार्क में जितने लेडीज लोग होती हैं आपस में हम थोड़ा बहुत बात वत करते हैं, फिर उसके बाद आ जाती हूँ घर। तो अभी हस्बैंड थोड़ी देर में आएंगे, उनको आने में 7 बज जाते हैं, 7-7:30 बज जाते हैं, तो अभी 1-1.5 घंटे के बाद ही वो आएंगे। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा फ्रेंड। और इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें, अगर पसंद आता हो तो शेयर भी कर लीजिएगा फ्रेंड। और मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। और ये है मेरे रात का खाना, मैंने बनाया था वेज बिरयानी। तो चलिए फिर फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।